दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी की आशंका जताई है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय के मन में चोर है, इसीलिए डर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर आईटी और ईडी की छापेमारी की आशंका जताकर बीजेपी पर आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी आक्रामक पलटवार किया। बीडी शर्मा ने कहा कि चोर को सब चोर ही नजर आते हैं, दिग्विजय ने जिंदगी भर घोटाले ही किए हैं। ये ईडी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के साथ ईडी अपना काम करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे इन्हें हमेशा यही दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने जिंदगी में चोरी ही की है। अरे ईडी का, सीबीआई का, किसी का भी छापा पड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है और आप डरते क्यों हैं? क्योंकि आपके मन में चोर है, आपने चोरी की है तो आपको ईडी का डर पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, ईडी अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है, कांग्रेस दुरुपयोग करती थी, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करती है। चोरी करते हैं, 15 महीने में 15,000 करोड़ के घोटाले किए, 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी आपके पीए पर पकड़े गए थे, कहां से आए? अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला हुआ, कहां से आए? ड्रेजल आइलैंड घोटाला दिग्विजय सिंह आपने इंदौर के अंदर किया, कहां से आए? तो क्यों डर नहीं लगेगा? डर तो लगेगा ही, क्योंकि चोर को चोर ही दिखता है। कुल मिलाकर दिग्विजय के बयान के बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है और भाजपा ने जवाबी हमला तेज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बड़वानी।